वेलकम बैक टू कुक विद मी, और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बढ़िया और झटपट बनने वाली एक स्नैक्स की रेसिपी। तो ये है आलू समोसा रोल, और इसे बनाने में सबसे अच्छी बात जो है वो मुझे ये लगी कि इसे बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और साथ के साथ खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप शाम के नाश्ते में या आपको शाम की चाय में ये बनाना हो तो आप इसे अपने घर पर जल्दी से बनाकर खा सकते हैं। तो ये रेसिपी मैंने ट्राई की और मुझे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी, तो मैंने सोचा ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, और बाउल में मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून के आसपास मैदा ऐड करूँगी। तो मैदा ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून अजवाइन जो है ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और साथ के साथ मैं इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून नमक भी ऐड करूँगी। तो इसका जो डो है वो बिल्कुल जैसे हम समोसा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया है इसमें, और हल्का सा मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, और साथ के साथ अब मैं इसका अच्छा सा एक डो तैयार कर लूँगी। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसका आटा जो है वो गूंध लूँगी, और आटा गूंदने के बाद मैं इसको रेस्ट करने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो इसका डो है वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि सॉफ्ट जब आटा होता है तो बहुत अच्छी उसकी रोटियां हो या कुछ भी हो बहुत अच्छा बनता है। तो बस मैं अब इसे ढक कर आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी फिलिंग बनाना। तो फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आलू जो है ये मैंने बॉईल करके रख लिए थे, और इनको मैंने पील कर लिया था। तो अब मैं इन्हें कद्दूकस करूँगी। इस तरीके से जब हम कद्दूकस करते हैं तो जो आलू है वो बहुत अच्छे से मैश हो जाता है। तो यहाँ पर बस फटाफट से मैं आलू को इस तरीके से ग्रेट कर लूँगी। तो अब मैं इसमें थोड़े से मसाले जो हैं ये मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, और इसमें साथ के साथ 1/2 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी। तो 1/2 टीस्पून ही इसमें सारी चीज़ें जो हैं ये मैं डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गर्म मसाला ऐड कर दिया, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें ये हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और साथ के साथ मैं इसमें 2 टीस्पून चाट मसाला जो है ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर जो है ये मैं इसमें ऐड करी हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ये मैं मिक्स करके अच्छे से जो इसकी फिलिंग है वो मैं रेडी कर ले रही हूँ। तो इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ऑयल जो है ये गैस पे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि जब तक हम समोसा रोल बनाएंगे तब तक हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका होगा। तो यहाँ पर मैं मैदे की एक लोई जो है ये मैं काट लूँगी, और इसको मैं बेलूँगी। तो बस इस तरीके से आटा लगा के हल्का सा मैं यहाँ पर बिल्कुल रोटी तैयार कर लूँगी, एक मैदे की जो बड़ी सी रोटी है इस तरीके से मैं पूरी बेल कर इसे बड़ी सी रोटी बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बिल्कुल चकले के बराबर जो है रोटी ये मैंने बेल ली है, और इसके बाद मैं इसमें बीच में एक छोटी सी कटोरी रखूँगी। आप चाहें तो छोटी सी इसमें ढक्कन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर बीच में कटोरी जो है इसकी शेप की मैंने यहाँ पर कटोरी जो है वो मैंने हल्की सी दबा के कट कर ली है, ताकि इसके अंदर मैं मसाला नहीं डालूँगी। और बस यहाँ पर इस तरीके से आलू की जो ये स्टफिंग है ये मैं फैलाकर अच्छे से बिल्कुल पतली लेयर लगा लूँगी, और आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है। तो बस इस तरीके से मैं अच्छे से इसको स्प्रेड करके चारों तरफ इसकी पतली सी एक लेयर लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से जो आलू की स्टफिंग है ये स्प्रेड करके फैला दी है हाथों की हेल्प से, ताकि ये बिल्कुल बराबर इक्वली जो है ये अच्छे से स्टफिंग जो है ये इस पर स्प्रेड हो जाए। और अब मैं यहाँ पर नाइफ़ की हेल्प से इस पर स्लाइसेस पतली पतली कट करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पतली पतली स्लाइसेस जो हैं ये मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं। और बस अब आपको क्या करना है, जहाँ से हमने स्लाइसेस कट करी हैं यहाँ से इसको उल्टा जो है बिल्कुल रोल करते हुए चले जाना है। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइन बनकर आ जाएगी, बिल्कुल रोल जैसी, जिसे हम बोलते हैं पोटैटो समोसा रोल। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही जो डिज़ाइन है ये इसमें आ जाएगी। तो बस एक एक करके मैं इस तरीके से इसे सारी जो फिलिंग है इसको मैं रोल करती चली जाऊँगी।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने रोल हैं वो सारे कट करके इस तरीके से रेडी कर लिए हैं, और ऑयल जो है ये भी हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो बस अब मैं इसमें ये सारे डाल के इन्हें डीप फ्राई कर लूँगी, और आप ध्यान रखें बिल्कुल इन्हें धीमी आँच पे ही सेकना है, क्योंकि ये जो मैदा है उसे हमें अच्छे से कुक करना है, और अगर हम इसे तेज़ आँच में सेकेंगे तो ये ऊपर से तो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से मैदा जो है वो नहीं अच्छे से पकेगा। तो बिल्कुल धीमी आँच में से बिल्कुल हल्के हल्के धीरे धीरे करके इसको सेकना है, और ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से बनकर जो समोसा रोल हैं वो रेडी हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 5 से 7 मिनट लगभग हो चुका है और मैं इनको बहुत धीरे धीरे करके सेक रही हूँ, और इनके ऊपर हल्की सी लेयर जो है वो गोल्डन ब्राउन होने लगी है। तो बस इन्हें हल्का सा मैं और सेकूंगी ताकि थोड़ी सी इसकी लेयर जो है वो हल्की सी ब्राउन और हो जाए, और इसके बाद ये जो रोल्स हैं ये रेडी हो जाते हैं। और एक बार में आप देख सकते हैं कितने सारे एक साथ बनकर तैयार हो जाते हैं, तो ये खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे लग रहे थे मुझे ये। तो बस यहाँ पर रोल्स जो हैं ये हमारे रेडी हो चुके हैं, और मैं इन्हें फटाफट से अब सर्व कर लूँगी, क्योंकि गरम गरम खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो इन्हें आप चटनी के साथ सर्व करें, और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और कितनी जल्दी झटपट बन जाते हैं। और शाम के नाश्ते में अगर आपका कुछ अच्छा और अलग खाने का मन है तो ये आप अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं, और चाय के साथ आप इसे सर्व करें, चटनी के साथ इसे सर्व करें, और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो मैंने ये रेसिपी जो है आप लोगों के साथ शेयर करी है, तो मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। थैंक यू।